राघव ये क्या हो रहा है यहाँ? देखिए आप दो मिनट के लिए बाहर जाइए, हमें बहुत जरूरी काम है, प्लीज आप प्लीज बाहर जाइए। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को लेडीज टॉयलेट में क्या काम होता है। बोल रहा हूँ हमें बहुत जरूरी काम है, प्लीज बाहर जाइए। कविता, सुशीला, रोमा, देखो देखो ये लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हैं। ए, लेडीज टॉयलेट में क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? तो हम किसी तरह बच गए, लेकिन अगली बार ऐसे मिलना रिस्की होगा। पता नहीं हम कब मिल पाएंगे। हम दोनों जरूर मिलेंगे पल्लवी, फिर चाहे वो देश में खा उसको, मेरे को आना क्यों ना पड़े। इति राघव राव बागदानम। लेकिन राघव अंधार तुम्हें उस घर में कदम भी नहीं रखने देगा। Have no fear, when राघव राव is here. वो तुम मेरे पे छोड़ दो। अर्धमाइंदा, मेरा सारी का दुकान। अर्धमाइंदी, मेरे घमंडी राव। अब मुझे जाना होगा, चलती हूँ। अगली बार ऐसे करोगे तो पुलिस में दे देंगे। ऐसे करना चाहिए। लेडीज बाथरूम में आते हैं पागल, ऐसा आते हैं। आज तेरी वजह से पहली बार इतनी बेइज्जती हुई मेरी। आज तक किसी ने आंख उठाकर बात भी नहीं की मुझसे, और औरतों से मार खानी पड़ी मुझे। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है राघव पल्लवी को इसके अंदर जाते हुए। यार मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। तुम एक काम करो, अपने काकू को फोन करो, उससे पूछना पल्लवी यहां पर होगी नहीं। एक बार तो मेरी बात का विश्वास करो। मंदार? हाँ मंदार। पल्लवी कहाँ? पल्लवी यही है, बाहर बैठी है। रुको मैं देख के आती हूँ। हाँ हाँ मंदार, पल्लवी तो यही। अमृता पल्लवी कहाँ है? पल्लवी मॉम, वो अरे काकू, हो गया आपका फेशियल? पल्लवी तू कहाँ थी? यही अंदर हेयर वॉश कर रही थी। इनके हेयर वॉश का एरिया अंदर है ना? ठीक है। मंदार, पल्लवी तो हमारे साथ ही है, तुम क्यों इतना फोन किए जा रहे हो तब से? थैंक गॉड पल्लवी, आज तो बच गए। लेकिन तुम यहाँ अंदर कैसे आई? वो
उन्होंने मुझे देख लिया था, मेरे लिए पीछे का गेट खोल दिया। अबे फटाफट से हेयर ड्राई करवा लेती हूँ। मैंने कहा था ना पल्लवी वहां नहीं होगी। पल्लवी पार्लर में ही है। पार्लर में? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मंदार, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा उसको राघव के साथ। आज तेरी बेवकूफी की वजह से मार खाई है मैंने, और वो भी औरतों से। अगली बार तूने ऐसा कुछ कांड किया ना, तो लोगों से पहले मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। मंदार, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था यार। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा उसके साथ जाते हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो बस एक मिनट हो गया, ठीक से साफ तो करने दो। बस करो अभी, चलो। क्या हुआ मंदार, इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें? मंदार, इतनी बहरे में से किसने मारा तुम्हें? मुझे किसने मारा नहीं है काकू, वो मैं रिक्शा से टकरा है। ओहो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे तुम? वो सब छोड़ ना पल्लवी, तुम बस सुंदर लग रही हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम हर हफ्ते पार्लर जाओ। तुम्हारे लिए ही कराया सब कुछ, अच्छा लगा ना तुम्हें? वैसे सच बताओ, आज हम तीनों को ना बहुत मजा आया, है ना काकू? हाँ, बहुत मजा आया। मैं ना आई को देखकर आती हूँ। मैंने अपना काम तो कर दिया है, अब राघव की बारी है। मंदार, तुम्हारी उल्टी गिनती आज से शुरू। मतलब इस घर से किसी ने मंदार को बताया था कि तू गार्डन में था? राघव, कीर्ति तो नहीं? अम्मा, कीर्ति जानबूझ के बोला है ना, ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन कीर्ति पक्का उसका बॉयफ्रेंड को बोला होगा, इसलिए वो सनी और मंदार वहां थे। आने दे कीर्ति को, आज से उसका इस घर से बाहर निकलना बंद। और अगर उसने सनी का नाम लिया ना, तो मैं 15 साल पुराना अम्मा बन जाएगा जो मार मार के अपने बच्चों को सुधारता था। अम्मा, अम्मा, जस्ट रिलैक्स, अब बैठो आराम से। अम्मा, अब कीर्ति को ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, वरना कीर्ति आके सनी को सब कुछ बता देगा, और सनी को हम पे शक कर जाएगा कि हमको सब कुछ पता चल गया है, और वो जाके मंदार को सब कुछ बता देगा। अम्मा, कल राखी है, मैं कीर्ति को सही रास्ते पे लेके आने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा, लेकिन उससे पहले मेरे को पल्लवी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और फिर मंदार और सनी को उन औरतों ने जो पीटा है ना, मजा ही आ गया। मेरा तो मन था कि 2-4 हाथ मैं भी लगा दूं, लेकिन वहां से निकलने की इतनी जल्दी थी ना कि हम लोग भाग गए। आज राघव से मिलके बहुत सुकून मिला है, ऐसे लगा जैसे उसे सालों बाद देख रही हूँ। हम दोनों ज्यादा देर साथ बैठ नहीं पाए, ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन वो जितने भी पल थे ना, मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। मैं बहुत मिस करती हूँ उसे, काश वो यहाँ होता मेरे साथ, कितना अच्छा होता ना। इंसान भी कितने अजीब होते हैं ना, गड्ढे में गिरने के बाद हमें समझ आता है कि गड्ढा कितना गहरा है। दुनिया टोकती रहे, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता कितना रोका था आपने, राघव ने, अम्मा ने, कि मैं मंदार का सपोर्ट ना करूं, उसे इंपॉर्टेंस ना दूं। लेकिन मोटी बुद्धि है ना मेरी, बात जल्दी घुसती नहीं है मेरे दिमाग में। पर सच बताऊं आई, शायद उस वक्त ना मैं बात सुनना भी नहीं चाहती थी। अंधार को जिंदा देखकर मैं इतना डर गई थी कि मुझे लगा
वो राघव को मुझसे दूर दूर कर देगा। वो राघव से अलग होने के ख्याल ने मुझे उसे इतना डरा दिया था कि उसकी भरपाई करने के चक्कर में मैं कहीं खोस ही गई। इंसानियत का फर्ज निभाते निभाते पत्नी धर्म निभाना तो भूल ही गई आई। मेरा डर मेरे प्यार पे इतना हावी हो गया जिसकी वजह से आज हमारा रिश्ता इस मोड़ पे है। मेरी जिद ने राघव को इतना हर्ट कर दिया है और मैं उसे सॉरी तक नहीं बोल पाई। एक अजीब सा भारीपन है यहाँ, ऐसे जैसे कोई पत्थर रखा हो। काश मैं उसे कुछ बोल पाती तो शायद। कोई बात नहीं है, मैं भले ही राघव से कुछ कह नहीं पाई लेकिन मैं जानती हूं वो मेरी सारी बात समझ गया होगा। मेरी आंखें मेरा दर्द और मेरी सारी बातें बयां कर गई और देखना है राघव जरूर कुछ करेगा। राघव राव है वो, एक ऐसी आंधी जो मंदार के वजूद को हिलाकर रख देगी। इस प्यार के तूफान के आगे मंदार को अपने घुटने टेक नहीं होंगे। ये मंदार को तो जेल में होना चाहिए। वही प्लान है अम्मा, लेकिन उसके लिए मंदार के खिलाफ प्रूफ चाहिए। जिसे ढूंढने के लिए पल्लवी वहां है उस घर में और मंदार के साथ होने का एक्टिंग कर रहा है। तब तो पल्लवी की लाइफ को बहुत खतरा है। हाँ अम्मा, उसी बात का टेंशन है मेरे को। पूरा फैमिली डेंजर में है और उनको पता भी नहीं। आई स्वेयर अम्मा, अगर सिचुएशन मेरा कंट्रोल में होता ना, मैं मंदार को वही के वही मार के पल्लवी को अपने साथ लेके आता। लेकिन मंदार को परमानेंटली हमारा लाइफ से दूर करना है ताकि पल्लवी या देशमुख फैमिली को दोबारा कोई खतरा ना हो। तो फिर तू क्या सोचा है, क्या करने वाला है? अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं कुछ समझ में ना क्या करूं मैं। टेंशन मत ले, ठंडे दिमाग से सोच। देख, जब सारा उम्मीद टूट जाता है ना, सब दरवाजा बंद हो जाता है, तो वेंकटेश्वरा को एक छोटा सा खिड़की जरूर खुला छोड़ता है। भाई साहब, ये हमारा घर है, पिज्जा स्टोर नहीं। आप गलत एड्रेस पे आयो। हाँ, देशमुख निवास है ना ये? हाँ यही है। तो सर आप ही ने 12 पिज्जों का ऑर्डर किया था। अरे हमने पिज्जा नहीं मंगवाया। मिलिन, पिज्जा मैंने ऑर्डर किया है, आप मुझे दीजिए। इतने सारे? थैंक यू। अरे सुलोचना, इतने सारे मैंने ही मंगाया है मिलिन। अरे लेकिन सुनो तो। सर पेमेंट कितना हुआ? 2460। आयो आहा, कितनी बढ़िया खुशबू है, मेरी तो भूख और बढ़ गई। सुलोचना क्या ये खाना है? काका वो क्या है ना, मैं और आई किचन में काम कर करके थक गए, इसलिए हमने आज पिज्जा ऑर्डर कर लिया। मुंह क्या बना रहे हो? घर के सारे मर्द दिन भर टीवी देखते रहते हैं और घर की औरतें किचन में दिन भर थकती है। हमें भी तो छुट्टी चाहिए ना। वहिनी ने तो आज तक कभी छुट्टी नहीं मांगी। वो उनकी प्रॉब्लम है, और वैसे भी ये सब किचन विचन का काम मुझसे नहीं होता। अरे तो क्या हर रोज बाहर से खाना मंगाओगी सुलोचना? हाँ। क्या हाँ, और पैसे कौन भरेगा? पड़ोसी, वो सब आप देख लो। अरे मानसी काका, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं खाना बना लूंगी। पल्लवी बेटा तू कैसे बनाएगी? अरे तुम वैसे ही वहिनी के पास रहती हो, तुम अकेले सब कुछ कैसे हैंडल करोगी? लेकिन डैड मैं क्या सोच रही हूँ, हम एक कुक हायर कर लेते ना। अमृता, रसोई घर का मंदिर माना जाता है, वहाँ कोई बाहर वाला आके खाना बनाएगा ये मुझे समझ नहीं आता है। दादा रसोई सिर्फ आपकी नहीं है, उस पर हमारा भी हक है। हाँ, और अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है ना, तो आप खुद खाना बना लो। दादा आइडिया अच्छा है, एक बार ट्राई तो कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कोई बाहर का आदमी आके खाना बनाए। हाँ। कैसे किसी को भी बुला के रख ले, उससे अच्छा भी अकेले। चुप, मैंने कहा ना मैं खाना बना लूंगी, बस अब मुझे इसमें कोई बहस नहीं चाहिए। सब्जी राशन लाने के चक्कर में पल्लवी को बाहर जाना पड़ा तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि पल्लवी कहीं जाए। पल्लवी, काका सही कह रहे हैं, तुम्हारे लिए अभी आई के पास रहना ज्यादा जरूरी है ना, तो हमें कुक रख लेते। मंदार,
लेकिन हैदराबाद में महाराष्ट्रीयन खाना बनाने वाला कुक कहाँ से मिलेगा? अब कल राखी है, हमारे घर पे नारियल भात बनता है, कौन बनाएगा वो? लेकिन डैड, आजकल इंटरनेट पर ना हर रेसिपी मिलती, जो भी कुक होगा ना वो देख के सीख लेगा। हाँ वो भी सही है, हर रोज के 2500 के पिज्जा मंगवाने से तो वही अच्छा है, लेकिन ये कुक मिलेगा कहाँ? अन्ना मेरे पास एक आइडिया है भाभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम एक काम करते हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को भाभी के पास भेज देते हैं। लेकिन वो घर के अंदर जाएंगे कैसे? हमको कुछ ऐसा चाहिए जो पल्लवी के साथ हो, जो घर के अंदर हो। अन्ना ड्रोन कैमरा ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैंने एक मूवी में देखा था, हीरो विलन पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरा यूज करता है। तो अपना दिमाग बेच के आ रहा है क्या? नहीं अन्ना मैं तो बस बस बहुत हो गया तेरा आइडियाज, क्या बोलते रहता है कभी गार्ड कभी ड्रोन, समझ में नहीं आता। राघव हम किसी तरह फरहाद को वहां नहीं पहुंचा सकते? हाँ अम्मा ये सबसे बेस्ट आइडिया, मैं वहां चले जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मेरे को पता है तेरे को कहीं को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस शेरे का क्या करेगा जो मंदर 25 बार देख चुका है। सही कह रहे हो ना। अम्मा आइडिया बहुत अच्छा है उस घर में बेस बदल के जाने का, प्रॉब्लम बस ये है कि कौन जाएगा और कैसे। हेलो, हाँ नंबर वन कुक सर्विस जी, मैंने ही कॉल किया था वो महाराष्ट्र कुक के इंक्वायरी के लिए। हाँ मेल फीमेल हो कोई भी हो चलेगा, बस अर्जेंटली एक कुक अरेंज कर दीजिए ना, महाराष्ट्र ना भी हो तो भी चलेगा, बस आप एक कुक अरेंज कर दीजिए। ओके। अमृता, अमृता तूने मेरे भाई को कोल्हापुर राखी भेज दी? हाँ भिजवा दी। और हम तीनों की राखी निखिल को बैंगलोर पोस्ट कर दी? हाँ। मेरी राखी कहाँ है? दादा आपके लिए मैं और मानसी शॉपिंग करने जाने ही वाले, तब ले आएंगे। मैं भी शॉपिंग चल रही हूँ, मुझे भी कुछ सामान लेना है। एक मिनट बाबा, काका एक मिनट बाहर आइए। क्या हुआ बेटा? हाँ क्या बात है? ये लीजिए मेरा कार्ड, आप सब लोग जाके मेरी तरफ से अपने लिए शॉपिंग कर लीजिए। ये मंदार सबको घर से बाहर क्यों भेज रहा है? इतने दिनों से सब लोग इतने परेशान हैं, तो त्योहार के तैयारी के बहाने सबका मन भी बहल जाएगा, और मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाया इसलिए मुझे भी अच्छा लगेगा। प्लीज मना मत कीजिए, लीजिए। ठीक है मंदार, जैसे तुम कहोगे हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। चल मानसी चलिए आप भी। हम लोग आगे आते। पल्लवी तुम भी चलो ना हमारे साथ, शॉपिंग करने में बहुत मजा आएगा, है ना? नहीं अमृता आई अकेली है, मैं उन्हें छोड़कर कैसे आ सकती? अरे जल्दी आ जाएंगे हम, चलो ना। पल्लवी पल्लवी क्यों? पल्लवी ने तो अपने भाइयों के लिए राखी भेज दिया ना, तो पल्लवी क्या करेगी वहां जाके? और वैसे भी आई को ज्यादा जरूरत है पल्लवी की, है ना पल्लवी? हाँ मैं यहीं आई के साथ रुकती हूँ, तुम लोग जाओ। ठीक है फिर मैं भी रुक जाती हूँ यहीं पे पल्लवी के साथ। क्यों मैं हूं ना पल्लवी के साथ, जाओ मैंने कार्ड भी दिया, जाओ शॉपिंग करो, जाओ 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 जाओ। हाँ मैं आई को देख लेती हूँ। पल्लवी अब इस घर में सिर्फ मैं और तुम ही हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।